ओके ओके, हमने तुम्हारा केक रेडी कर दिया है। ब्रिलियंट, ये और ये देखिए, डकी आपको कह रही है सब्सक्राइब के लिए। तो गाइस, मैं तो यहीं पे सो गया था, मुझे नींद आ गई स्टूडियो में ही। क्या बात कर रहे? अब सुबह के 4 बज रहे हैं, शायद 4:30 बज रहे हैं, और पता नहीं आज तो बहुत सारा काम करना है। अच्छा, बत्तख के अंडे में से शायद हम चूजा निकालने की सोच रहे हैं, तो आज शायद बत्तख का घोंसला वगैरह बनाएंगे। क्या बात कर रहे? तो देखते हैं आज क्या क्या करना है। मैं बाहर जाता हूँ, सुबह का मौसम सुहाना दिन। अरे यहाँ क्या चल रहा है? बत्तखों का घोंसला बनाने की तैयारी चल रही है यहाँ। हेलो व्यूअर्स, बत्तख के अंडे देखिए, डकी एग्स। क्या बात है, दो अंडे आज दिए हैं, जिसपे अभी देखा आपने डेट नहीं डली हुई, ये हमने कलेक्शन किया है क्योंकि अब मौसम भी कुछ खुशनुमा होता जा रहा है एंड बर्ड्स आर लेइंग एग्स। आपको मालूम है इस सीजन में बच्चे निकालते हैं ये लोग। क्या बात कर रहे, चिड़िया पक्षी वगैरह। तो हमने भी इसका ये केज बनाया, देखिए इसको रेडी कर रहे हैं हम। और क्या, और लकड़ी का बरूदा है ये, देखिए ये रहा, ये इनको थोड़ा आसानी हो जाती है, थोड़ा हीट जब होती है ना ये अपनी बॉडी की गर्माई देती है तो उसमें बड़ा अच्छा रहता है। और कुछ हमने पॉइल टाइप लगाई है नीचे, ये दिख रहा है आपको अंदर, अभी लाइट आएगी तो आपको और अच्छे से दिखेगा। तो इसमें हमने एक कीटों से बाउंड्री करके और बकायदा जाली वगैरह फिट बेहतरीन करके रेडी किया है, और इसमें फिर हम ये अंडे जो है इसके अंदर रख देंगे, और जैसे जैसे ये अंडे और देंगी वो इसी में इकट्ठे होते रहेंगे अपना। और देखते हैं कब तक निकलते हैं बच्चे, देखते हैं। क्या बात, ये एक ट्राई है, देखते हैं हम लोग कि ये बैठती है इस पे अंडे पे या नहीं, क्योंकि अंडे हो सकता है ना भी मांगे। तू समझा? हाँ। ये रहे यार, मिक्की का भी है भाई, इसमें ये लिखा हुआ डक मिक्की। क्या बात है सर, क्या बात है, बड़ा मिक्सचर होकर बच्चे पैदा होंगे भाई साहब, बशर्ते ये सही तरीके से इनको सीख। हम ट्राई कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है अपने अंडे मांगे हमसे। अच्छा, और ये है ब्लैकी, क्या बात है, ब्लैकी का भी है भाई। बहुत मजा आएगा अगर बच्चे प्यारे प्यारे गुलगुले निकलेंगे और फिर पानी में तैरेंगे, सोचिए आप हाउ दे विल स्विम। बहुत अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा ना, मजा आ जाएगा देख के आपको। तो क्यों ना एक ट्राई ली जाए, क्योंकि इस सीजन में पक्षी जो है बच्चे निकालते हैं, डेली एग्स, और हमने इकट्ठे कर रखे हैं ये, अब इसको रख देंगे हम इसमें बरूदे के साथ मिला के पोल के। नॉट बैड। वो देखिए ये जेसन जो है इसको अंदर डाल रहा है पोल के ऊपर, और क्या नाम है ये बरूदा वगैरह लकड़ी का सब सेटिंग कर रहा है। शाबाश बेटा, क्योंकि इनके लिए हेल्प हो जाती है ताकि अंडे फूटे ना और ये अच्छे तरीके से इसको सह सके, गरमाई दे सके। बात तो सही है। और फिर मैं थोड़ी देर बाद बत्तख को ऊपर ले आया ताकि उसको उसके नए घोंसले में रख दो ताकि वो वहां पे अंडे दे सके ढेर सारे। A few minutes later. A few minutes later. चलो मिकी अंदर जाओ, चलो। अब ये फैमिली प्लान कर रहे हैं कि कौन, हाउ दे विल सीट एग्स। हमने अभी दो रखे हैं केवल, ये देखिए आपको दो एग्स दिख रहे हैं, और देखते हैं कौन बैठी अंडे में पहले। A few moments later. वाह, क्या सीन है। हम कवर कर रहे हैं ना ताकि ये गुफा की तरह लगे, जंगल वालों ये इसका पैकिंग कर लो ताकि थोड़ा हवा ना जाए।
अंदर से देखिए गाइस, इधर से ईट लगा देना साइड में नीचे दबा देना। वाह क्या सीन है, अभी ठंड ना लगे। A few minutes later. Okay, okay. मैं तुम्हारा केज रेडी कर दिया है, ठीक है? पूरी प्रिपरेशन देखो ये रही, पूरी प्रिपरेशन कर दिया हमने। अंदर जाओ। Very good. आज सुबह ये उठने दी अंडे पे से, तो हमने सोचा कि शायद ये अपने अंडे मांग रही है बच्चे निकालने के लिए, तो हमने ये तैयारी करी आज इसके लिए। पूरा केज इसके रेडी कर दिया है, देखिए पका रहा, घास वगैरह डाल के, बरूदा वगैरह, पानी वानी सब रख दिया। मजा आया। इसको यहीं पे देगी और इकट्ठे करते रहेगी धीमे धीमे, और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि ये इन पे बैठ जाएगी, इनको सेगी ताकि बच्चे निकाले। ये एक ट्रायल है, क्योंकि आज सुबह ये अंडे पे से उठने दी थी, गुस्सा करी थी, तो हमने ये सब तैयारी करी है इसके लिए ताकि ये बच्चे निकाल सके। ये सीजन है, बर्ड सिस्टम, बच्चे निकालती हैं, अंडे वगैरह देती हैं, फिर सेती हैं उन्हें, तो हमने भी ये प्रिपरेशन करी है इसके लिए। देखते हैं क्या बात है। अम्मी की बहुत समझदार डक है, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है ये सक्सेस मिले इसको। बच्चे फर्स्ट टाइम निकालेगी अगर ये बैठती है इस पर। ये देखिए आप, शी इज वेरी गुड, समझदार डक है। A few moments later. देखिए दोस्तों, नीचे हमने काली वाली का बना दिया है ताकि ये यही पे अंडे को हैच करे इधर ही, और भूरी वाली ऊपर, और ये आपस में लड़े ना, तो इसलिए मैंने इसका अलग बना दिया। रात को 8:30 बजे ये तो हमने फाइनली बना लिए हैं दोनों घोंसले, दोनों बत्तख को सेट कर दिया है, एक एक अंडा रख के, और नीचे है ब्लैकी, ऊपर है ब्राउनी, और अब तो शाम हो गई है, थक गए सब। और ये देखिए फाइनली हमने ये पूरे दिन बनाया आज, ये ब्राउनी है, ये देखिए ये अंडे पे खड़ी है, बैठी नहीं है अभी तक, लेकिन जब ये 5-6 अंडे दे देगी तो बैठेगी, जो कि शायद 5-6 दिन बाद ही बैठेगी यहाँ, क्योंकि ये अंडे देना शुरू कर दिया इन्होंने, शायद 5-6 दिन तक हो जाएंगे 6 अंडे। और नीचे ब्लैकी है जैसे आप जानते हैं, उसको हमने अलग रखा है ताकि इनमें लड़ाई ना हो आपस में, और नीचे भी बत्तख बैठ जाए अंडे तो ऊपर ही बैठ जाए, तो दोनों जगह बत्तखें बैठी हैं। तो देखते हैं कि कौन सी वाली बच्चे निकालती है, तो दोनों निकालेंगे अच्छी बात है वैसे, लेकिन अगर नहीं भी निकालें तो पता नहीं क्या होगा, वो तो आगे ही पता चलेगा गाइस, समझ रहे हो? तो गाइस सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ये देखिए डकी आपको कह रही है सब्सक्राइब के लिए, क्यों डकी? डकी बहुत खुश है, ये देखिए उसको नया घर मिल गया है, अब वो यहीं पे 28 डेज के बाद या 30 डेज के बाद शायद चूजे होंगे, तो देखते हैं क्या होता है आगे।